डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फार्म मशीनरी एंड पावर में लेक्चर नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 को दो पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रैक्टर टाइप्स। ठीक है, ट्रैक्टर कितने प्रकार के होते हैं जो हमारे कंट्री में अवेलेबल है, जो हमारे इस हमारे एग्रीकल्चर में प्रयोग होते हैं। ठीक है, इस्टीमेशन ऑफ ऑपरेशनल कास्ट ऑफ ट्रैक्टर, ये इसके सेकेंड पार्ट में, इस लेक्चर के सेकेंड पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रैक्टर होता क्या है। ठीक है, ट्रैक्टर इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन यूज्ड आइदर फॉर पुलिंग और पुशिंग एंड स्टेशनरी वर्क। ठीक है, ट्रैक्टर एक मशीन है जो किस किस काम में आता है, किसी भी इम्प्लीमेंट को पुल करने के लिए। ठीक है, दूसरा है किसी भी इम्प्लीमेंट को पुश करने के लिए, और तीसरा है स्टेशनरी वर्क, जैसे कि थ्रेसिंग अपन करते हैं, खड़ा थ्रेसर फील्ड में मतलब कि खड़ा रहता है। ठीक है, तो उससे क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं ट्रैक्टर के माध्यम से। ठीक है, कल्टीवेटर या रोटावेटर लगा के हम क्या करते हैं, प्लाउजिंग करते हैं। ठीक है, जुताई करते हैं। द वर्ड ट्रैक्टर इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स। ठीक है, ट्रैक्शन एंड मोटर। ठीक है, ये जो ट्रैक्टर वर्ड है ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, पहला क्या है, ट्रैक्शन, और दूसरा मोटर, इन दोनों के मेल से हमारा ट्रैक्टर शब्द बना है। ठीक है, ट्रैक्टर इज अ मशीन विच इज यूज फॉर ट्रैक्शन पर्पज। ठीक है, ट्रैक्टर एक मशीन है जो ट्रैक्शन कार्यों के लिए काम में आता है। ट्रैक्टर कैन बी यूज फॉर डिफरेंट जॉब बाई अटैचिंग इम्प्लीमेंट टूल्स एंड एज सिंगल यूनिट। ठीक है, ट्रैक्टर को हम कई सारे इम्प्लीमेंट जोड़ के एक साथ काम में ले सकते हैं। जैसे हमने अपने ट्रैक्टर से सपोज दैट कि कोई इम्प्लीमेंट जोड़ दिया, कंबाइन हार्वेस्टर, रोटावेटर, कुछ भी जोड़ दिया, तो क्या है कि हम ट्रैक्टर से ही उसे ऑपरेट करके एक साथ चला सकते हैं दोनों को। ठीक है, द ट्रैक्टर इज फार्मर्स मूवेबल पावर हाउस। ठीक है, ट्रैक्टर क्या है, किसान के पास एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने वाला पावर हाउस है। ठीक है, जैसे हमें, हमारे पास दो फील्ड है, मतलब जो दो जगह खेत है, तो हम क्या करेंगे, अपने ट्रैक्टर को किसी भी फील्ड में किसी भी समय ले जाकर खेत में काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मूवेबल पावर हाउस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये पूरा पावर सोर्स ट्रांसफर होता है, मतलब चला जाता है। ट्रैक्टर डेवलपमेंट, ठीक है, ट्रैक्टर का डेवलप कैसे कैसे किस किस समय में हुआ ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन 1890 ट्रैक्टर 1890 में क्या हुआ, ट्रैक्टर इंजन इन्वेंटेड बाई जियॉर्ग हैरिस ऑफ शिकागो। ठीक है, किसके द्वारा 1890 में ट्रैक्टर डेवलप हुआ, जियॉर्ग हैरिस, जो कि शिकागो के रहने वाले हैं, एंड यूज द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रैक्टर, इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर बनाया था। ठीक है, 1890 में, ड्यूरिंग 1915 से लेके 1919 तक क्या हुआ था, पीटीओ जो था हमारा पावर टेक ऑफ, वो पीटीओ साफ डेवलप हुआ था। ठीक है, 1915 से लेके 1990 तक, 1920 से 1924 तक वो वाले ट्रैक्टर डेवलप हो गए जो कि कोई भी फील्ड वर्क एग्रीकल्चर से रिलेटेड करने में सक्षम थे। ठीक है, अब 1937 से लेकर 1941 के बीच में हाइड्रोलिक सिस्टम आया। ठीक है, और थ्री पॉइंट लिंक जो सिस्टम है ट्रैक्टर के पीछे, आप लोग देखे होंगे हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है, जिसके माध्यम से हम लोग कोई इम्प्लीमेंट जैसे रोटावेटर अटैच कर दिए ट्रैक्टर से अपना, तो उसे क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से ही ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, या तो कहीं भी कांस्टेंट रख सकते हैं जोड़ने के बाद। ठीक है, 1960 से 61 के बीच में ट्रैक्टर क्या हुआ, इंडिया में 1960 से 61 के बीच में फर्स्ट टाइम इंडिया में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगी थी। ठीक है, जिससे इंडिया में 1960 से लेकर 1961 के बीच में ट्रैक्टर बनना स्टार्ट हो गया। वो किसने बनाया था फर्स्ट टाइम, आइसर गुड अर्थ ने, और आइसर ट्रैक्टर ही पहला ट्रैक्टर इंडिया में बना था। ठीक है, इनके द्वारा इंडिया में फर्स्ट टाइम 1960 से 61 के बीच में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर होने लगा था, बनने लगा था। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है,
तो ट्रैक्टर को किस किस आधार पे क्लासिफाई किया गया है, मतलब किस किस आधार पे हम ट्रैक्टर को बांट सकते हैं, तो वो क्या क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ट्रैक्टर का बनावट कैसा है उसके आधार पे हम ट्रैक्टर को बांट सकते हैं। टाइप्स ऑफ ड्राइव, हमारी ट्रैक्टर कैसे चल रही है, ठीक है, कौन से पहिए से चल रही है, ठीक है, उसके आधार पे भी हम ट्रैक्टर को डिवाइड कर सकते हैं। एंड पर्पज, कनेक्ट, मतलब कि हम अपने ट्रैक्टर को किस काम में ले रहे हैं, कौन से कार्य के लिए कौन कौन सा ट्रैक्टर है, इसके आधार पे, मतलब इन तीन के आधार पे हम अपने ट्रैक्टर को क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ट्रैक्टर्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ट्रैक्टर का कंस्ट्रक्शन कैसा है उसके आधार पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रैक्टर को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला है रीडिंग टाइप्स ट्रैक्टर, ठीक है, इन दिस टाइप ट्रैक्टर अ ड्राइवर कैन सीट एंड ड्राइव्स। इस टाइप के ट्रैक्टर में क्या होता है कि मतलब कि ट्रैक्टर के सीट पे ड्राइवर बैठ के ही ट्रैक्टर को चलाता है, जैसे कि जनरल पर्पज फोर व्हीलर ट्रैक्टर, जैसे कि जो जनरल कार्य के लिए, मतलब जो साधारणतः ट्रैक्टर यूज होता है एग्रीकल्चर कार्य के लिए, वो वाले ट्रैक्टर क्या है, राइडिंग टाइप्स ट्रैक्टर है। और सेकेंड वन क्या है, वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर, इसके नाम से ही पता चल रहा है, वॉकिंग मीन्स चलना, ठीक है, इसमें वो ट्रैक्टर आते हैं जिसके पीछे आदमी, जिसको वो ट्रैक्टर होते हैं जिसे आदमी पकड़ के उसके पीछे पीछे चलते हुए ट्रैक्टर को चलाता है, ठीक है, जैसे कि हमारा पावर टिलर्स, ठीक है। वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर मीन्स जैसे कि इन दिस टाइप ट्रैक्टर्स द ऑपरेटर वॉक एलॉन्ग, ठीक है, कहने का मतलब कि इस टाइप के ट्रैक्टर में जो चलाने वाला रहता है वो इसके पीछे पीछे चल के इसको चलाता है, ठीक है, जैसे कि हमारा पावर टीलर, ठीक है, ये रहा पावर टीलर। अब क्या होगा, इसमें दो पहिए लगे हैं, ठीक है, तो आदमी यहाँ से हैंडल इसका पकड़ के इसको पीछे पीछे इसके चल के चलाएगा, ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया, वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर, ठीक है। अब आते हैं हम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ट्रैक्टर ड्राइव, ठीक है, हमारा ट्रैक्टर किस पहिए के माध्यम से चल रहा है वो उसके आधार पे हम अपने ट्रैक्टर को फिर से डिवाइड कर रहे हैं। पहला है ट्रैक टाइप ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक टाइप ट्रैक्टर, इन दिस टाइप टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर इन स्टेड ऑफ व्हील्स, ठीक है, इस प्रकार के ट्रैक्टर में पहियों के स्थान पे वन ट्रैक्स इज फिटेड ऑन आइदर साइड, ठीक है, क्या होता है, इस प्रकार के ट्रैक्टर में पहियों के स्थान पे ना, जहां पे पहिया लगता है वहां पे ट्रैक्स लगे होते हैं दोनों साइड, ठीक है, दिस ट्रैक गेट्स ड्राइव फ्रॉम द स्पॉकेट रन बाय द रियर एक्सल शाफ्ट, ठीक है, ये जो ट्रैक होते हैं ये स्पॉकेट के द्वारा चलते हैं, जो स्पॉकेट है हमारा वो रियर एक्सल, जो हमारा शाफ्ट है रियर शाफ्ट है उसके माध्यम से इस पॉकेट चलेगा, तो ये ट्रैक्स रन करते हैं, ठीक है। दीज आर यूज फॉर बुलडोजिंग आर लैंड क्लियरिंग वर्क, ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ देखिए, जो ट्रैक टाइप ट्रैक्टर है ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या ये ट्रैक्स लगा हुआ है, ये रियल एक्सल है, इसके माध्यम से ये रन कर रहा है, ठीक है, इसमें पहिया नहीं लगा है, इसमें ट्रैक लगा है, तो ये किस किस काम के लिए यूज होता है, जैसे कि जहाँ पे हैवी मटेरियल, जैसे मान लो मिट्टी है हमारी खेत है, ठीक है, वो जिग जैग वे में है, कहने का मतलब कि कहीं लेवल ऐसा है, कहीं इतना नीचे है कहीं इतना ऊपर है, तो इसको क्या करना हुआ, लेवल करना हुआ, ठीक है, इसको समतल बनाना हुआ, तो हम इस टाइप का ट्रैक्टर यूज करके इसको बहुत ही कम समय में क्या कर सकते हैं, समतल बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा व्हील टाइप ट्रैक्टर्स, व्हील टाइप ट्रैक्टर दीज आर मोस्ट कॉमन यूज्ड एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, ठीक है, जो व्हील टाइप ट्रैक्टर हैं वो मैक्सिमम आजकल क्या होता है, मैक्सिमम सारे कृषि कार्यों में यूज होता है, ठीक है, जो ट्रैक टाइप ट्रैक्टर है वो तो सिर्फ हैवी वर्क करने के लिए यूज होता है, लेकिन जो हमारा व्हील ट्रैक्टर है वही मैक्सिमम कार्यों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, दे कैन रन फास्ट, ठीक है, ये तेज चल सकते हैं। दीज कैन बी फर्दर डिवाइड, इसको पुनः से डिवाइड किया जा रहा है,
व्हील टाइप ट्रैक्टर है तो कितने कितने व्हील लगे होते हैं, ठीक है। एक टू व्हील ट्रैक्टर होता है जिसमें दो पहिए लगे रहते हैं, ठीक है। दीज ट्रैक्टर्स आर यूज फॉर स्मॉल फार्म्स, हिली एरिया एंड गार्डेनिंग पर्पज एंड आर कॉल्ड पावर टिलर्स, ठीक है। ये जो टू व्हीलर ट्रैक्टर हैं जिसमें दो पहिए लगे होते हैं, वो ट्रैक्टर कहाँ कहाँ यूज होते हैं? स्मॉल फार्म मतलब छोटे खेतों में, हिली एरिया मतलब जहाँ पे जमीन जिग जैग हो, लेवल ना हो, ठीक है, समतल ना हो, एंड गार्डेनिंग पर्पज, ठीक है, जो हम बागवानी करते हैं उसके लिए, ठीक है। और इसे साधारणतः हम क्या बोल सकते हैं? पावर टिलर्स, ठीक है। पावर टिलर्स का आप लोग फोटो देखे ही थे, वो इमेज देखे थे, उसमें दो पहिए लगे थे ना, तो वो है टू व्हीलर ट्रैक्टर, उसे कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है? थ्री व्हील ट्रैक्टर्स, पहले ट्रैक्टर तीन पहियों वाले भी आते थे, ठीक है। दीज ट्रैक्टर्स वेरी पॉपुलर 15 years back, ठीक है। 15 क्या मान लो, लगभग 30 साल पहले, ठीक है, क्या था ये तीन पहिए वाला जो ट्रैक्टर था बहुत ही पॉपुलर था, ठीक है, बहुत फेमस था, इसी से सारे कार्य होते थे कृषि से। बट नाउ इट्स प्लेस हैज बीन टेकन बाई फोर व्हीलर, तो इसके स्थान पे अब क्या आ गया है? चार पहिए वाला ट्रैक्टर आ गया है, ठीक है। ये आज से लगभग 30 साल पहले बहुत यूज होता था, अब क्या फोर व्हील ट्रैक्टर्स, ठीक है, जिसमें चार पहिए लगे होते हैं। दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज ट्रैक्टर इन द कंट्री, ये क्या होता है हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। दीज आर आल्सो नोन एज ऑल पर्पज ट्रैक्टर्स, ठीक है, इसे हम और क्या नाम से बोल सकते हैं? ऑल पर्पज ट्रैक्टर के नाम से भी बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल पावर हाउस दीज हैज बीन क्लासिफाइड एज, कितने कितने पावर का ट्रैक्टर है उसके अकॉर्डिंग हम फोर व्हीलर ट्रैक्टर को क्या बोल सकते हैं? स्मॉल ट्रैक्टर, मीडियम ट्रैक्टर एंड लार्ज ट्रैक्टर। स्मॉल ट्रैक्टर वो होते हैं जो 15 से 25 एचपी के होते हैं, ठीक है, 15 से 25 एचपी के जो ट्रैक्टर्स होते हैं उन्हें हम स्मॉल ट्रैक्टर्स बोल सकते हैं, और जो 25 से 45 एचपी के होते हैं उन्हें क्या बोल सकते हैं? मीडियम टाइप ट्रैक्टर्स, ठीक है। और जो 45 एचपी से ज़्यादा रहता है, एचपी मीन्स हार्स पावर, ठीक है, जो 45 एचपी से ज़्यादा रहता है उसे लार्ज ट्रैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। फोर व्हीलर टाइप का लार्ज ट्रैक्टर 45 एचपी से ज़्यादा होता है। ट्रैक्टर टाइप बेस्ड ऑन पर्पज, ठीक है, अब हम किस कार्य में ले रहे हैं उसके आधार पे ट्रैक्टर को डिवाइड किया गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन पर्पज। तो पहला क्या है? यूटिलिटी ट्रैक्टर्स, ठीक है, इट इज अ स्पेसिफिक पर्पज फील्ड ट्रैक्टर एंड इट इज यूज फॉर फार्मिंग ऑपरेशन सच एज प्लाउजिंग, ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का ट्रैक्टर है जो फील्ड में काम करने के लिए बनाया गया है। कौन कौन सा काम? प्लाउजिंग का मीन्स खेत जोतने का, थ्रो इट्स पीटीओ, ठीक है, ये अपने पीटीओ शाफ्ट के माध्यम से क्या करता है? प्लाउजिंग करता है। ड्राइव एंड पुलिंग हैवी इम्प्लीमेंट, ठीक है, भारी इम्प्लीमेंट जो होते हैं वो भी ये चला सकता है। इट इज़ नॉट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट प्रेजेंट टाइम इन द कंट्री, ये इस समय हमारे देश में नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इसका जो कास्ट था, कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसका जो कास्ट होता था वो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो इसे बंद कर दिया गया, ठीक है ना। धीरे धीरे ट्रैक्टर डेवलपमेंट में क्या आया? सुधार आते गई, धीरे धीरे सब चीज़ होती गई, तो अब क्या है, ट्रैक्टर को सस्ता बनाया जाता है, सस्ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट करे, ठीक है। दूसरा क्या है? ऑल पर्पज ट्रैक्टर, ठीक है, इट इज डिजाइन इन सच अ वे डैट इट कैन मीट प्रैक्टिकली ऑल द डिमांड्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पज सच एज प्लाउजिंग, हैरोविंग, लेबलिंग, पुलिंग, सीड ड्रिल, ऑपरेटिंग थ्रेसर्स, पंप थ्रो इट्स पीटीओ, ठीक है। ऑल पर्पज ट्रैक्टर्स कहने का मतलब, ऑल पर्पज ट्रैक्टर मतलब जो सारा कार्य करता हो वो वाला ट्रैक्टर कैसा होगा, ठीक है,
तो वो ये सब सारे कार्य, ठीक है, प्लाउजिंग कर सकता है, हैरोविंग करे, लेवलिंग करे, मतलब ये जितने भी एग्रीकल्चर के कार्य हैं, कृषि के कार्य हैं, वो सब ऑल पर्पज ट्रैक्टर से किया जाता है, ठीक है। दीज आर प्रोवाइडेड विथ 3 पॉइंट लिंकेज, ठीक है, इसमें 3 पॉइंट लिंकेज रहता है। किस लिए 3 पॉइंट लिंकेज किस लिए यूज होता है? हम रोटावेटर या कल्टीवेटर जब कनेक्ट करते हैं तो वो 3 पॉइंट लिंकेज के माध्यम से ही ट्रैक्टर से जोड़ते हैं, ठीक है। जो हमारा अगला है, ऑर्चार्ड टाइप ट्रैक्टर, ठीक है, दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर यूज इन ऑर्चार्ड, ठीक है, ये एक स्पेशल ट्रैक्टर है जो यूज होता है ऑर्चार्ड में, ठीक है। दीज आर मेड वेरी हाई इन हाइट, इसकी इस ट्रैक्टर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, सो दैट ड्राइवर वाइल सीटिंग ऑन द सीट द ऑपरेशन ऑन द ट्रीज कुड बी परफॉर्म, जिसकी मदद से जब ये ट्रैक्टर देखो ऊंचा है ना, नॉर्मल ट्रैक्टर से इसकी हाइट काफ़ी ऊंची है, ठीक है, तो इस पे जब ड्राइवर बैठता है सीट पे, तो ये जितने भी पेड़ में हमारे और चार्ट में जितने भी कार्य हैं उसे आसानी से कर लेगा, ठीक है, उसे पूरा चीज़ दिखाई देगा। गार्डन ट्रैक्टर, दीज ट्रैक्टर्स आर इन द रेंज ऑफ 1 to 10 HP, ठीक है, 1 से 10 HP के बीच में ये ट्रैक्टर आते हैं, एंड आर वेरी स्मॉल इन कंस्ट्रक्शन, और बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। दीज आर मोस्टली यूज फॉर किचन और वेजिटेबल गार्डन, ठीक है, इसे मोस्टली कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? वेजिटेबल गार्डन में, ठीक है। ये ट्रैक्टर का साइज देखिए बहुत छोटा है, ठीक है, इससे अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम तो हम मूवर का काम कर सकते हैं, मूवर मीन्स जो घास काटता है, हम अपने गार्डन में ले गए और घास की कटिंग करनी है तो हम इस ट्रैक्टर के माध्यम से आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसमें ट्राली भी अटैच होता है तो वो छोटा होगा, ठीक है, जो कि हमारे गार्डन में चल सके, ठीक है, ये नहीं कि ये नॉर्मल जो ट्राली आती है अभी ये गार्डन में तो अपने यूज नहीं कर सकते, तो ये एक छोटा ट्रैक्टर जिसका नाम दिया गया है गार्डन ट्रैक्टर, ठीक है। रोटरी टिलर्स एक टाइप का ट्रैक्टर है, दीज आर वॉकिंग टाइप ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है, ये किस प्रकार का ट्रैक्टर है? वॉकिंग टाइप का एक ट्रैक्टर है, एंड आर यूज इन स्मॉल फील्ड, और इसे छोटे खेतों में छोटे जगहों पर प्रयोग किया जाता है, ऑन हिल्स जैसे कि पहाड़ी इलाकों पे, ठीक है। ये जो है कि वॉकिंग टाइप का ट्रैक्टर है, इसे स्मॉल फील्ड में या तो पहाड़ी इलाकों में प्रयोग किया जाता है, वेयर फील्ड आर वेरी स्मॉल एंड आर एट डिफरेंट लेवल्स वेयर ऑर्डिनरी ट्रैक्टर्स कैन नॉट वर्क इफिशियंटली, ठीक है, जहाँ पे फील्ड बहुत ज़्यादा छोटा हो, ठीक है, मान लो कि हमारा एक खेत है जिसकी लंबाई 10 फीट है और चौड़ाई 15 फीट है, तो उसमें क्या होगा, हमारा नॉर्मल ट्रैक्टर अगर खेत जोतना है तो क्या नॉर्मल ट्रैक्टर उसमें टर्न हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, तो ये रोटरी टीलर्स यूज होते हैं, ठीक है। और जहाँ मान लो हमारा, मान लो खेत है एक जगह, हमारा ऐसा फील्ड है जिसमें हमको खेती करना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से तो पहले हमारा नॉर्मल ट्रैक्टर जा ही नहीं पाएगा यहाँ पे कार्य करने के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये रोटरी टीलर्स ले जाकर यहाँ पे प्लाउजिंग कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो ये जो छोटे ट्रैक्टर हैं, ये पावर रोटरी टीलर्स है, ये मेन रूप से छोटे फील्ड में काम करने के लिए है, और जहाँ पे जिग जैग मतलब समतल जमीन ना हो वहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे हमारा नॉर्मल ट्रैक्टर काम में ना आ सके। अर्थ मूविंग ट्रैक्टर्स, ठीक है, दीज ट्रैक्टर्स आर हैवी इन वेट, ठीक है, ये ट्रैक्टर देख के ही लग रहा है कि ये बहुत भारी ट्रैक्टर है, ठीक है, ये बहुत भारी ट्रैक्टर होते हैं, एंड स्ट्रांगली ब्यूल्ट अवेलेबल बोथ इन द ट्रैक एंड टायर टाइप, ठीक है, ये दोनों में आते हैं, ठीक है, ट्रैक और टायर टाइप में, ठीक है, देखो ये ट्रैक के माध्यम चल रहा है और ये टायर के माध्यम से चल रहा है, ठीक है ना, तो ये इस जो अर्थ मूविंग ट्रैक्टर है हमारा, उसमें दोनों टाइप के ट्रैक्टर आते हैं। दीज आर यूज फॉर अर्थ मूविंग वर्क, ठीक है, ये किस लिए यूज होते हैं? अर्थ मूविंग वर्क के लिए एंड अदर कंस्ट्रक्शनल वर्क, ठीक है,
अर्थ मूविंग करने का मतलब कि मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है, ठीक है। जैसे मान लो हम डैम बना रहे हैं, करने का मतलब कि एक छोटा सा तालाब बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जब हमको क्या करना है, उसकी खुदाई करनी है, तो ये जो हमारा अर्थ मूविंग ट्रैक्टर है, इसके माध्यम से हम खुदाई कर सकते हैं और जो इसके माध्यम से मिट्टी को आसानी से तालाब के बाहर निकाल देंगे तो काम बहुत जल्दी होगा, ठीक है। तो ये ट्रैक्टर अर्थ मूविंग वर्क में काम आता है, ठीक है। ट्रैक्टर्स कंपोनेंट, अ ट्रैक्टर इज मेड ऑफ फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स। ये जो एक ट्रैक्टर होता है वो इन इन कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है। कौन सा? आईसी इंजन, जो कि हर ट्रैक्टर में अवेलेबल रहता है, ठीक है। आईसी इंजन या तो डीजल बेस्ड होगा या तो पेट्रोल, ठीक है। ट्रैक्टर में कौन सा इंजन यूज होता है? तो आईसी इंजन होगा, ठीक है, या तो डीजल या तो पेट्रोल। लेकिन इस समय कौन सा इंजन यूज हो रहा है? मैक्सिमम डीजल इंजन, डीजल आईसी इंजन ही ट्रैक्टर में प्रयोग होता है, ठीक है। मैक्सिमम डीजल आईसी इंजन ही प्रयोग होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डीजल हमेशा हमारा सस्ता रहता है, तो सब लोग क्या करते हैं, डीजल इंजन खरीदना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। दूसरा है क्लच, ठीक है। तीसरा है ट्रांसमिशन गियर्स, चौथा है डिफरेंशियल यूनिट, और पांचवा है फाइनल ड्राइव। फाइनल ड्राइव के बारे में पिछले क्लास में बात किए थे, क्या कि जब डिफरेंशियल से पावर हमारा कहाँ जाता है, रियर व्हील को, पिछले पहिया को जाता है, ठीक है। सपोज डेट ये हमारा डिफरेंशियल यूनिट है, यहाँ से पावर ये पिछले पहिए का गया और हमारा पहिया क्या करने लगा, टर्न करने लगा, रोटेट करने लगा, ठीक है। तो यहाँ से पावर जब यहाँ तक आया डिफरेंशियल यूनिट से होके पहिए में, तो उसे क्या बोलते हैं, फाइनल ड्राइव, ठीक है। डिफरेंशियल यूनिट के माध्यम से क्या करते हैं, हम डिफरेंशियल लॉक यूज करते हैं, जिससे हमारा दोनों पहिया समान रफ्तार से घूमता है, ठीक है। तो ये सब हम बातें पिछली क्लास में कर चुके हैं, वही सब पार्ट है, ठीक है। फ्रंट व्हील, रियर व्हील, स्टीयरिंग मैकेनिज्म, जिसके माध्यम से ट्रैक्टर को किसी भी दिशा में घुमाया जाता है, ठीक है, टर्न किया जाता है। हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम एंड हिच सिस्टम, ठीक है, जिसके माध्यम से हम इम्प्लीमेंट जोड़ के ट्रैक्टर से कनेक्ट करके हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से ही ट्रैक्टर को वो इम्प्लीमेंट को ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ब्रेक्स, जिसके माध्यम से ट्रैक्टर की स्पीड को रोका जाता है, ठीक है। पावर टेक ऑफ यूनिट, पीटीओ, सब किस काम में आता था, कि हम ट्रैक्टर से कोई इम्प्लीमेंट जोड़ के स्टेशनरी वर्क कर सके, जैसे कि थ्रेसर खेत में ही यूज करना, ठीक है, थ्रेसिंग वर्क करना थ्रेसर। और ट्रैक्टर पुली, कंट्रोल पैनल, ठीक है। ये सब सारे कंपोनेंट क्या हैं, ट्रैक्टर के हैं, ठीक है। ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें पॉइंट वाइज सारी चीज़ लिखी हुई है, कहाँ पे कौन सी चीज़ रहती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग और अच्छे समझते हैं। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फ्रंट व्हील, ठीक है। ये और ये दोनों चीज़ें क्या है, ये और ये, फ्रंट व्हील। दूसरा ये है फ्यूल कैप, फ्यूल टैंक कैप, यहाँ पे फ्यूल के टैंक के ऊपर कैप लगा रहता है। तीसरा है एक्सीलरेटर पैडल, जिसके माध्यम से हम एक्सीलरेटर ट्रैक्टर में बढ़ाते हैं या कम करते हैं। चौथा है ब्रेक पैडल, यहाँ पैरों के नीचे रहता है, ठीक है। ये एक्सीलरेटर और ब्रेक पैडल, यहाँ पे ड्राइवर बैठता है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो राइट वाला इसका पैर है, दाहिना वाला, उसके पैरों के नीचे हमारा क्या क्या रहता है, एक्सीलरेटर पेडल और ब्रेक पेडल, ठीक है। अब पांचवा है स्टीयरिंग व्हील, ये जो व्हील है इसके माध्यम से ट्रैक्टर को किसी भी दिशा में घुमाया जाता है, ठीक है। और छठवा हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम, कहाँ रहता है हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे, ठीक है, जिसके माध्यम से हम इम्प्लीमेंट जो अटैच रहता है ट्रैक्टर से उसे उठाते हैं और नीचे करते हैं, ठीक है। सातवां है टर्न सिग्नल लैंप, सातवां यहाँ पे एक लैंप लगा है, जब हम टर्न करते हैं ट्रैक्टर को रोड पे चलते वक्त, तो इसे ऑन कर देंगे तो हमें सिग्नल मिलेगा कि हम इस साइड टर्न कर रहे हैं, ठीक है। आठवां है लिफ्ट आर्म, देखिए ये है लिफ्ट आर्म, ये दोनों क्या है, लिफ्ट आर्म, जिसके माध्यम से इम्प्लीमेंट को उठाया जाता है अटैच करके, ठीक है। नौवां है रियर टायर,
नवा ये पिछले पहिए जो हैं ये रियर टायर बोले जाते हैं, ठीक है। और दसवां है इंस्ट्रूमेंट पैडल। यहाँ देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है, ठीक है। क्लच पेडल ये बाएं पैर के नीचे है, ड्राइवर के बाएं पैर के नीचे यहाँ पे, ठीक है। स्टेप्स यहाँ पे पैर रखने के लिए होता है जगह, यहाँ पे और यहाँ पे ड्राइवर, यहाँ क्या स्टेप मीन्स पैर जहाँ पे रखता है। सीट यहाँ पे ड्राइवर बैठता है, ठीक है। रियर एक्सल हाउसिंग चौदहवां है, यहाँ पे रियर एक्सल लगा रहता है ना, जो कनेक्ट रहता है कहाँ से, डिफरेंशियल से और रियर व्हील से, ठीक है। पंद्रहवां है साइड क्लियरेंस, यहाँ देखिए साइड क्लियरेंस है। सोलहवां है इंजन हुड, ये चीज़ है यहाँ पे दिख रहा है, सोलहवां इंजन हुड, जिसमें क्या रहता है हमारा इंजन कंपैक्ट रहता है उसके अंदर, ठीक है। फैन कवर, सत्रहवां क्या है फैन कवर, ठीक है। ये फैन है, इसका ये कवर है जो इंजन को कूलिंग करता है, ठीक है। अठारहवां मोफलर, मोफलर क्या करता है, अपन मोफलर के बारे में बात कर लिए हैं, ठीक है। क्या करता है, ध्वनि को कम करता है, ठीक है। मोफलर के माध्यम से क्या किया जाता है, ध्वनि को कम किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा हीट है उसे भी कम किया जाता है, ठीक है। उन्नीसवां है फ्यूल टैंक, देखिए यहाँ पे हमारा फ्यूल टैंक है जिसमें फ्यूल ईंधन भरा जाता है, डीजल या तो पेट्रोल। और 21वां मेन स्पीड चेंजर लीवर, ठीक है। ये देखिए 19वां यहाँ पे है, इसके हेल्प से, इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड लीव को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ट्रैक्टर के कंपोनेंट है, सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है। हमको एक मान लो कि किसी को भी एक ट्रैक्टर खरीदना है, तो वो कौन कौन से फैक्टर है, मतलब कौन कौन सी बात है जिसके बारे में वो सोचेगा कि हमको कैसा ट्रैक्टर लेना है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर है जो ट्रैक्टर खरीदते वक्त ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी बातें हैं, तो सबसे पहला लैंड होल्डिंग, ठीक है। सपोज हमारे पास 20 हेक्टेयर क्या है, ज़मीन है, ठीक है, खेत है, तो हमें क्या चाहिए, बहुत हैवी वाला ट्रैक्टर चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है, 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी 45 या 40 एचपी का ले लेंगे, या 30-35 एचपी का कोई भी ट्रैक्टर ले लेंगे, तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो लैंड होल्डिंग, ठीक है, कहने का मतलब कि किसान के पास कितना ज़मीन है उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा कि हमारे पास कितना ज़मीन है, उसके अनुसार ट्रैक्टर का कितने एचपी का ट्रैक्टर लेना या कैसा ट्रैक्टर लेना वो डिसाइड करेगा। क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, ट्रैक्टर लेते वक्त वो देखेगा कि हमको कौन कौन सा फसल लगाना है, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स जैसे कि रबी सीजन में क्या है कि हम कौन कौन सा क्रॉप लगाएं, फसल लगाएं, ठीक है, और खरीफ सीजन में कौन कौन सा फसल लगाएं, ठीक है, तो वो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। तो वो देखेगा कि हमको कौन कौन सी फसल लगाना है, तो हमें ये फसल लगाना है, तो हमको वो फिर सोचेगा कि हमको ये इम्प्लीमेंट अपने ट्रैक्टर से ऑपरेट करना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो ट्रैक्टर कैसा लेना है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। सॉइल कंडीशन, अब क्या है कि हमारे यहाँ मान लो कि कोई भी किसान है, उसका जो ज़मीन है उसकी सॉइल कैसी है, ये बात भी ट्रैक्टर खरीदने में बहुत मायने रखती है, ठीक है। ट्रैक्टर लेते वक्त ये सॉइल कंडीशन भी ध्यान में रखनी चाहिए, क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है, हमारा क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, तो उस चीज़ पे भी हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। सपोज डेट कि हमें हमारे यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, ठीक है, किसी मान लो किसी देश में बहुत ठंडी पड़ रही है कहीं पे, वो क्या किया, वाटर कूलिंग ट्रैक्टर उठा लाया, और क्या किया, वाटर कूलिंग पानी भर दिया अपने रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, तो क्या हुआ, ठंडी के समय में पानी जम गई, तो क्या हुआ, हमारा कूलिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है। तो या तो मान लो कि हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, और हम बहुत हैवी ट्रैक्टर ले लिए जो हर 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 खेत में हर ज़मीन में कीचड़ है, ठीक है, तो उसे हम वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। रिपेयरिंग फैसिलिटी, ठीक है, रिपेयरिंग फैसिलिटी कहने का मतलब कि
जो हम ट्रैक्टर ले रहे हैं उसे रिपेयर करने के लिए हमारे यहाँ मैकेनिक जो होते हैं मैकेनिक्स वो अवेलेबल हैं कि नहीं। ठीक है, मान लो कि कोई किसान है आयसर का ट्रैक्टर ले आया और उसका सर्विस सेंटर कहाँ है 500 किलोमीटर दूर उसके घर से, तो पहले तो ये देखना चाहिए कि हम इसे रिपेयर कहाँ करवा लेंगे। ठीक है, हमारे पास मैकेनिक्स अवेलेबल हैं कि नहीं, सर्विस सेंटर है कि नहीं, तो रिपेयरिंग फैसिलिटी सही मिल रही है कि नहीं इस ट्रैक्टर की, तो ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। रनिंग कास्ट, ठीक है, मान लो रनिंग कास्ट ऐसे हमारे ट्रैक्टर सिलेक्शन में इफेक्ट डालता है, ऐसे प्रभावित करता है, जैसे कि मान लो हम ले आए 45 एचपी का ट्रैक्टर, ठीक है, तो अगर ज़्यादा एचपी का है तो ये क्या होगा, फ्यूल ज़्यादा इसमें लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब कि पेट्रोल या तो डीजल, जो भी हम फ्यूल कल जो भी इंजन लाए, डीजल इंजन चाहे पेट्रोल इंजन, तो वो ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और हमको काम करना है थोड़ा, मतलब हल्का इंजन से भी हमारा काम हो जाता है, जैसे कि हमारा मान लो कि 35 एचपी के ट्रैक्टर से भी काम हो जाता, तो क्या करेंगे, हमारा रनिंग कास्ट कितना है, ट्रैक्टर में कितना आता है, ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, इनिशियल कास्ट एंड रीसेल वैल्यू, ठीक है, ट्रैक्टर का देखना चाहिए कि इनिशियल कास्ट जब हम खरीदने गए तो ट्रैक्टर उस टाइम कितने पे मिल रही है। ठीक है, तो हम दूसरे मतलब आयसर का मान लो ट्रैक्टर खरीदने गए तो वो 20 लाख का है। ठीक है, उसी एचपी में हम दूसरे कंपनी में जाके देखे तो 15 लाख का है, तो हम क्या करेंगे, हम आयसर का नहीं लेंगे तो किसी दूसरे कंपनी का ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी ले लेंगे। और रीसेल वैल्यू, ठीक है, सपोज दैट किसी कंपनी का ट्रैक्टर ले लिए, उसकी रीसेल वैल्यू मतलब हम ले के 2 साल यूज किए, प्रयोग किए, अब उसे दोबारा से बेच रहे हैं, तो क्या हुआ, पैसा बहुत कम मिल रहा है। सपोज दैट हम 20 लाख में खरीदे या 15 लाख में, अब 2 साल के बाद ही बेच रहे हैं, तो कितना मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है या 2 लाख मिल रहा है, तो रीसेल वैल्यू जिस ट्रैक्टर की अच्छी हो वो ट्रैक्टर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हैं जो ट्रैक्टर को खरीदते वक्त सेलेक्ट करते वक्त क्या करना चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू टू एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सब चीज़ें कवर करेंगे।